वो क्या ही बदनसीब इंसान है कि जिसके दिल में अल्लाह ने जानदारों पर रहम करने की आदत पैदा नहीं की। जिसे कोई ऐज़ा न पहुँचे उसमें कोई खूबी नहीं। गुमनामी को पसंद करो कि इसमें नामवरी की निस्बत बड़ा अमन है। शिकस्ता कब्रों पर गौर करो कि कैसे कैसे हसीनों की मट्टी खराब हो रही है। तनहा शख्स महफूज है, हर गुनाह की तकमील दो से होती है। मखलूकात और गैर अल्लाह से सिर्फ वो लोग सवाल करते हैं जिनका यकीनो ईमान ज़ईफ़ है और जिनमें सब्र व तवक्कल नाबूद है। इलम का तकाजा अमल है, अगर तुम इलम पर अमल करते तो इलम से भागते क्यों, कि इलम में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हुब्बे दुनिया पर दलालत करती हो। अपनी मुसीबतों को छुपाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। वो रोज़ी जिस पर शुक्र ना हो और वो तंगी जिस पर सब्र ना हो फितना है। आलिम अगर जाहिद ना हो तो अपने ज़माने वालों पर अजाब है। मोमिन अपने अहलो अयाल को अल्लाह पर छोड़ता है और मुनाफिक ज़रो माल पर। बेहतरीन अमल लोगों को देना है, लोगों से लेना नहीं।